दोस्तों प्रकृति की एक ऐसी चीज है जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता, चाहे आप हो या मैं। ठीक उसी प्रकार से एक जहाज की कहानी है जो समुद्र में बड़े शान से राज किया करता था, लेकिन समुद्र को शायद इसका चलना पसंद नहीं आया और इसका हाल कुछ ऐसा कर दिया। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं वो कौन सा जहाज है जो प्रकृति को चुनौती दे बैठा। दोस्तों इस जहाज को देखिए जो कैसे सोलोमन तट पर लवारिस पड़ा हुआ है और अपने मौत का इंतजार कर रहा है। दरअसल में ये वर्ल्ड डिस्कवरर शिप है जो 1974 में जर्मन द्वारा बनाया गया एक बेहतरीन जहाज था जो अपने समय 26,000 कर्मचारियों को अपने अंदर समेट कर रखता था। ये जहाज अपने जमाने में एक आधुनिक विकसित शिप हुआ करता था जिसमें अनेकों सुविधाएं मौजूद थी। खेलने से लेकर खाने पीने नहाने की हर सुविधा से ये जहाज लैस था। ये जहाज अपने जीवन काल में लंबी से लंबी यात्रा किया करता है। जब ये जहाज एक बार चलता तो काफी महीनों के बाद वापस आता। ये जहाज समुद्र में 1300 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चलता। ये जहाज इतना मजबूत था कि अंटार्कटिका के बर्फीली पानियों में बर्फ के टुकड़े को चीरते अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ता, लेकिन धीरे धीरे इस जहाज की अंतिम निकट आने लगी थी। अप्रैल 2000 में कुछ चीजें गलत होने लगी। उस दिन मौसम खराब होने के कारण प्रशांत महासागर में बड़े बहर लहरें उठने लगी जिसे पायलट अपना नियंत्रण खो बैठता और ये जहाज एक बड़े से चट्टान में जा टकराता। समय को बिना गवाए कैप्टन एक इमरजेंसी सिग्नल भेजता है जिसे समय रहते ही सभी यात्रियों को बचा लिया जाता है, लेकिन इस जहाज को कोई नहीं बचा सका। कैप्टन किसी न किसी तरह से इस जहाज को सोलोमन द्वीप पर लाना चाहते थे। तब तक बहुत देर हो चुका था। जहाज में काफी मात्रा में पानी भरने के कारण ये सिर्फ एक तरह से झुक जाता है। तब से लेकर आज तक ये जहाज वैसे को वैसे पड़ा हुआ है और कोई भी इसका मदद करने के लिए आगे नहीं आता, क्योंकि इस जहाज की मरम्मत की लागत काफी ज्यादा थी जिसके कारण कोई भी इस जहाज को वापस बनाने के लिए तैयार नहीं था, जिसके कारण इस जहाज को वैसे लवारिस छोड़ दिया गया। दोस्तों इससे बुरा तो तब हुआ जब स्थानीय लोगों ने इस जहाज से कीमती सामान को निकाला और अंदर तोड़फोड़ मचा दिया। दोस्तों कभी यह जहाज समुद्र पर राज किया करता था और पानियों को चीरते आगे बढ़ता था, लेकिन प्राकृतिक ने इसके साथ कुछ ऐसा किया जिससे यह जहाज आज लवारिस पड़ा हुआ है और अपने मौत का इंतजार कर रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा।